नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बनता हुआ घर जिसका साइज है 30 फीट बाई 40 फीट, मतलब 1200 स्क्वायर फीट में बनता हुआ घर जिसमें आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, किचन, बाथरूम, पूजा रूम और उसके साथ साथ स्टेयर रूम भी देखने को मिल रहा है। मतलब 1200 स्क्वायर फीट में एक कंप्लीट घर बनाया जा रहा है जिसका काम आप देख सकते हैं कि स्टील लेवल तक, जहां से हम लोग खिड़की छोड़ना शुरू करते हैं वहां तक कंप्लीट हो चुका है। तो इस काम का पूरा ब्यौरा देते हुए मैं आपको बताऊँगा कि इतना काम कराने में कितना रुपया खर्चा आया है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप ही एक अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको अपना घर बनाने में कितना रुपया खर्चा होगा और किस तरीके से आप अच्छा घर बनाएंगे। आपको मेरे रेगुलर व्यूअर हूँ तो आपको पता होगा कि इस घर का मैं पहले भी एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसका प्लिंथ लेवल तक का वर्क मैंने दिखाया था आप लोग को और बताया था कि अब तक कितना रुपया खर्चा आया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। बात किया जाए इस घर के फ्रंट व्यू का, तो 30 फीट का इसका फ्रंट व्यू रखा गया है और साइड व्यू को 40 फीट का रखा गया है। मैं ऊपर भी ले चलूँगा, घर के अंदर ले जाकर सारा चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ से जो चीज़ आप समझ सकते हैं अच्छा से उसे समझ लीजिए। जैसे बात करेंगे इस घर का कॉलम का फुटिंग का, तो उसे 4 फीट बाई 4 फीट का रखा गया। ग्राउंड लेवल से 4 फीट नीचे खड्डा खोदते हुए उसे बनाया गया। फिर वहाँ से हमारा कॉलम बर्न हुआ 10 इंची बाई 10 इंची का, जिसमें 4 एनफोर्समेंट का यूज़ किया जा रहा है। 12 mm का सरिया का बात किया जाए तो 8 mm का सरिया है। प्लिंथ बीम का जो हाइट है उसे आप देख सकते हैं कि लगभग 3 फीट के आसपास का रखा गया है और इसमें भी 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं साइज़ वही है, 10 इंची बाई 10 इंची का प्लिंथ बीम को चारों तरफ से लगाया गया है। तो ये तो दोस्तों बात था अब तक का कॉलम और बीम का। अब चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। आप यहां से अच्छे तरीक़े से देख पाएंगे कि इस घर को टोटल 16 कॉलम के साथ बनाया जा रहा है। 4 कॉलम आपको उस लाइन में नज़र आ रहा है, 4 कॉलम इधर, 4 कॉलम यहां पे और 4 कॉलम पीछे साइड। आप देख सकते हैं 4, 8, 12, 16 कॉलम के साथ इस घर को बनाया जा रहा है। और ख़ास बात यह है कि जो 16 कॉलम है एक दूसरे के बिल्कुल सीध में है। इधर भी देख सकते हैं, यहाँ भी देखिए, उधर भी देखिए, फिर या उधर भी देखिए, फिर अगर ऐसे भी आप मिलाएंगे तो सारा कॉलम आपको बिल्कुल सीधे में नज़र आएगा। तो ऐसा ये फ़ायदा होता है कि जब टाई बीम लगाते हैं तो जो आपका घर है वो अच्छा तरीके से बन जाता है। फिर आप मिडिल में जब आएंगे, जब लिंटल आएंगे तो वहाँ पर भी आपका घर बन जाता है। फिर अब जब फ्लोर का बीम बनाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छे तरीके से आपका घर है वो बनता है। तो किसी भी साइज़ का आप घर बनाए, कोशिश करें आपका जो कॉलम हो एक दूसरे के सामने में हो। तो देखिए इस टाइप से है, ये है घर का बिल्कुल बीच वाला पार्ट और यहाँ पे आपको मिलता है घर में इंटर करने के लिए गली। साइज का बात किया जाए तो 6.5 फीट का गली मिलता है और यहाँ पे मुख्य द्वार होगा इस घर का। और इसके बाएं साइड में देखेंगे तो आपको मिलता है रूम। फिर इसके दाहिने साइड में देखते हैं तो मिलता है एक और रूम। आप चाहें तो इसको स्टडी रूम या फिर गेस्ट रूम के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जो दरवाजा डोर है उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ से डोर लगाया गया इस रूम के लिए और इस रूम के लिए भी यहाँ पे भी डोर लगाया गया है। इसके आगे जस्ट चलेंगे तो आपको मिलता है हॉल। आप चाहें तो इसका डोर हॉल की तरफ से भी खोल सकते हैं। देखिए एक कॉर्नर है, यहाँ से एक रूम मिलता है आप और दाहिने तरफ भी आपको रूम मिलता है, बीच में गली है। आपका घर किसी भी साइज़ का हो, आप चाहें तो इस पैटर्न के साथ अपना घर बना सकते हैं। आप 30 फीट और 40 फीट के आसपास का आपका ज़मीन है तो यहाँ पे आपको मिल जाता है हॉल, आप देख सकते हैं। और हॉल के बाएं तरफ का बात किया जाए तो आपको मिल जाता है ये पूजा रूम। आप देख सकते हैं लगभग 4 फीट चौड़ा और इसी के जस्ट बगल में आपको मिल जाता है इस घर के लिए किचन। आप देख सकते हैं किचन बनाया जा रहा है, L-शेप में किचन प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा।
अब बात करते हैं कि हॉल के दाहिने साइड में क्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे जगह को यूटिलाइज़ किया गया है। ये पूरा जो जगह है वो टॉयलेट और बाथरूम के लिए है, आप देख सकते हैं। इसको बीच में पार्टीशन कर दिया गया है और जो ये एरिया हमारा है टॉयलेट और बाथरूम, ये कॉमन टॉयलेट और बाथरूम हो जाएगा जिसे सभी लोग यूज़ कर पाएंगे। और उसका जो आधा एरिया है उससे उस कॉर्नर का जो रूम है उसके लिए सेपरेट टॉयलेट बाथरूम बनाया जा रहा है। इतना जगह को मैं अभी आगे चल कर दिखाऊँगा। आप देख सकते हैं ये जो टॉयलेट बाथरूम है उसे बीच से ही पार्टीशन यहाँ पे कर दिया गया है, देख लीजिए। तो वहाँ से उसी रूम से एक छोटा सा डोर रहेगा यहाँ पे आने के लिए, और ये तो हमारा हॉल से ही है इसका दरवाज़ा। तो इस टाइप से इस घर को बनाया जा रहा है। बात किया जाए कॉर्नर का तो आप देख सकते हैं उस कॉर्नर पे भी आपको बिल्कुल इसी साइज़ का, जो साइज़ का आपको स्टार्टिंग में रूम मिला था कॉर्नर पे, इसी साइज़ का रूम मिल जाता है उस कॉर्नर पे भी। और बीच में आपको लगभग 6.5 फीट का जगह मिलता है जहाँ से हम लोग इंटर किया था हॉल में, उसके जस्ट सीधे यहाँ पे सीढ़ी होगा। यहाँ से सीढ़ी हमारा जो फ्लाई पार्ट है वो आएगा, फिर लैंडिंग आएगा, फिर सेकंड फ्लाई आएगा, फिर वहाँ से आपको एक छोटा सा एग्जिट डोर भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्लाई रहेगा, यहाँ पर लैंडिंग आ जाएगा, फिर दूसरा फ्लाई आएगा, तो उसके नीचे में जो जगह है वहाँ पर एग्जिट डोर आप यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। एक अच्छे प्लान के तहत इस घर को बनाया जा रहा है। इतना ही में आपको 4 बेडरूम देखने को मिल रहा है। चलिए मैं आपको इस घर के किसी कॉर्नर पर खड़ा होकर फिर से समझाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीक़े से समझ पाए। चलिए मैं आपको फिर से इसका भ्रमण करवा देता हूँ। 30 फीट बाई 40 फीट का घर, ये है इसका फ्रंट व्यू। चलिए अंदर चलते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसे बनाने में कितना रुपया खर्चा आया। 6.5 फीट का गली आप देख सकते हैं, इसे वेटिंग एरिया भी बोल सकते हैं। फिर आगे जाते हैं तो मिलता है हॉल, फिर इसी के जस्ट सीधे वाला देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाता है एसटीआर रूम, एग्जिट डोर वहाँ पे है। बाएं साइड का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बेडरूम, या फिर स्टडी रूम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर गेस्ट रूम। फिर आगे चलते हैं तो वहाँ पर आपको मिल जाता है पूजा रूम और किचन। उसका जस्ट कॉर्नर का बात किया जाए तो आपको मिल जाता है बेडरूम, आप देख सकते हैं। इधर का बात किया जाए तो ये हॉल तो है ही, और उस कॉर्नर पर मिलता है आपको एक बेडरूम। फिर आपको इधर मिल जाता है उसी रूम के लिए सेपरेट टॉयलेट बाथरूम, मास्टर बेडरूम है वो। फिर यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम, और फिर इस कॉर्नर पे आपको मिल जाता है एक रूम। तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उससे आप आसानी के साथ समझ गए होंगे। चारों कॉर्नर पर यहाँ पर रूम निकाला गया है, देखिए वो रूम, उस कॉर्नर पर वो रूम, फिर इस कॉर्नर पर ये रूम, फिर आगे की तरफ इस कॉर्नर पे ये रूम, बीच में आपका आने का रास्ता है। और फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है हॉल, फिर उधर आपका किचन और पूजा रूम। तो इस पैटर्न के साथ आप एक कंप्लीट घर बना सकते हैं। तो अब बारी है दोस्तों ये जानने के कि इतना घर बनाने में अब तक कितना रुपया खर्चा आया है। तो देख सकते हैं पूरा जो घर के जुराई है उसे बाहरी दीवार को 10 इंच का रखा गया है। जो पार्टीशन वाल है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर वाला जो भी वाल है वो 5 इंच का रखा गया है। खर्च का बात किया जाए तो इस घर को बनाने में अब तक 4,20,000 रुपये खर्चा आ चुका है। तो अगर आप भी 1200 स्क्वायर फीट के आसपास का जगह में घर बनाना चाहते हैं और सील लेवल तक काम कराना चाहते हैं तो आपको 4 लाख के आसपास का एस्टिमेशन है वो रखना चाहिए, एस्टिमेट रखना चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला दिन में एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिलते रहे। और इस घर का आप काम को प्लिंथ लेवल तक दिखना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर वहाँ तक का काम देख सकते हैं और कितना पैसा लगा था उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर भात और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।